तो अभी किसको सुनने के लिए आया आज? किसको सुनने के लिए आया? हाँ तो किसको किसको? ओवैसी साहब। अरे भैया यार जा यार तू जा। अरे बताओ ना। और इंशाल्लाह पतंग को जिता कर जाएंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? साइकिल लेकर अभी थोड़ी बाजी करेंगे, साइकिल को वापस घर चले जाएंगे। 2 महीने का जवाब लेने खड़े हैं आप। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हम लोग वापस से आपके सामने हाजिर हैं। अभी इस वक्त हम लोग मालेगांव में हो रहे जलसे में मौजूद हैं, जो पता नहीं इलाके का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर अभी असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं। जितने भी लोग यहाँ पर तादाद, आपको एक बड़ी भीड़ नज़र आ रही है, ये मोस्टली ये लोग असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए आए हैं। तो पूछते हैं लोगों से कि आखिर वो लोग MIM के सपोर्ट में अगर आए हैं, असदुद्दीन ओवैसी को अगर सुनने के लिए आए हैं, तो आखिर क्या उसके पीछे कारण है? क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? इमरान। तो किसको सुनने के लिए आए हैं आज? मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब तो मतलब इस बार चुनाव में सपोर्ट कर रहे हैं उनको? जी। तो क्यों, कोई खास वजह उसके पीछे? वो एक आलिम दीन है, इसीलिए। बस इसीलिए। हाँ। जो लोग उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि पिछले 5 साल में काम नहीं किया उन्होंने, काम तो किया है, काम किया है ना, काम किया है। हाँ। तो क्या लग रहा है, इस बार जीतेंगे वो? हाँ जीतेंगे। क्या नाम भाई आपका? नहीं कोई बात। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद जुबैर। तो किसको सुनने के लिए आए हैं आज? मुफ्ती इस्माइल। तो इस बार मतलब चुनाव में सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ। तो कोई खास कारण जो सपोर्ट कर रहे हैं? खास कारण ये है कि ये अच्छाई और बुराई का इलेक्शन है, बस इतना ही। अच्छा, ये जो लोग बता रहे हैं कि एक बड़े स्टेज से पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी बोल के गए थे कि हर 2 महीने में यहाँ पर हाजिरी लगाएंगे, वो उसके वजह से कुछ लोग नाराज़ हैं। लोग तो इलेक्शन में कुछ भी बोलते, कुछ वो हम उनको नहीं पहचानते। नहीं पहचान? नहीं, मुफ्ती साहब को पहचानते हम। अच्छा, बस। तो मतलब मुफ्ती साहब की हमारे रहबर है और हमारे समझ लो पीर साहब है, मुफ्ती साहब। वो काम करे नहीं करे वो हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता। यहाँ काम होगा भी नहीं और ज़िंदगी में कभी, मुस्लिम एरिया है पहली बात, तो यहाँ काम होता नहीं। रोड गडर बन जाए, पानी की सहूलत हो जाए और पावर 24 घंटा रहे, बस इतना। बस इतना ही काम? हाँ बस इतना, बहुत हो जाएगा। और बहुत 1.5 करोड़ और गडर बनाए मुफ्ती MLA फंड से। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर? यासीन। किसे सुनने के लिए आए हैं आज? किसे सुनने के लिए आए हैं? या ओवैसी को, असद ओवैसी। हाँ। तो अभी कुछ लोग जो नाराज चल रहे हैं, 2 महीने वाला वादा था पुराना, वो पूरा नहीं कर पाए वो, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं कुछ नहीं, आदमी रहता है कुछ ना कुछ परेशानी में। बहरहाल ओवैसी सही है, सही आदमी है, वो कौम के लिए लड़ता है, कौम के लिए लड़ता है। दिन पे जब भी कोई आफत आई है तो ओवैसी ने आवाज उठाया, किसी ने आवाज नहीं उठाया। दिन के मामले में, काम के मामले में जो भी घटनाएं आई है तो ओवैसी के अलावा किसी ने आवाज नहीं उठाया। इसीलिए हम उसके जलसे में आए
और उसको वोट देंगे। क्या नाम भैया आपका? दानिश। कहाँ से हैं? मैं इंगलाज नगर से। शुरू होने से पहले तो किसको सुनने के लिए आए हैं आज? मैं अविशी साहब को देखने के लिए आया। तो मतलब ऐसा क्या पसंद आता है? उनकी स्पीच पसंद आती है मुझे। हाँ। इस बार आमदार किसको देखना चाहते हैं? इंशाल्लाह अपने मुफ्ती साहब। सही, जो दो महीने की जो महीने का जो वादा था पिछली बार करके गए थे, तो कुछ लोग नाराज हैं उसकी वजह से। आप भी हैं कहीं ना कहीं? नहीं, मैं तो सिर्फ उनको देखने के लिए आया। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद। तो किसको सुनने के लिए आए आज? अवैसी मुक्ति इस्माइल। तो इस बार आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं उनको? एक बार नहीं, 10 बार देखना चाहते आमदार के रूप में। 10 बार? 10 बार, जब तक वो जिंदा रहेंगे जब तक आमदार के रूप में देखना चाहते। 10 बार का तो 50 साल हो गया। अरे चलेगा ना, उनकी जिंदगी अल्लाह देगा ना, 50 साल क्या, 100 साल जियेंगे। और जो लोग 2 महीने वाला वादा याद दिला रहे हैं, अरे वो सब थोड़ी बात लोग है, वो उनकी बात कहाँ कर रहे तुम, थोड़ी बात लोग है। वो साइकिल लेकर आए, अभी थोड़ी बाजी करेंगे साइकिल में, वापस घर चले जाएंगे। साइकिल पे वापस चले? हाँ, वापस थोड़ी कर घर चले जाएंगे। सही, तो इस बार आमदार देखना चाह रहे हैं मुझे। क्या नाम भाई? नजीम अख्तर। किसको सुनने के लिए आए हैं आज? जलसा सुनने के लिए आया हूँ। तो कोई मतलब ओवैसी साहब को खास तौर से सुनने आए होंगे? खास तौर से ओवैसी साहब को। तो क्या ऐसा क्या पसंद आता है उन्हें? और कुछ नहीं भाई, का क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अब्दुल अजीज है। तो किसी को सुनने के लिए खड़े हैं यहाँ? हाँ, मैं खड़ा हूँ असद भाई के सुनने के लिए। हमारे जिन्होंने वादा किया था कि मैं मुफ्ती साहब को जिताएंगे ना, तो मैं हर 2 महीने पे आके हिसाब लिया करूँगा। तो अभी मैं सुनने के लिए खड़ा हूँ कि अभी वो अभी क्या बोलते हैं आवाम को, मालेगांव की आवाम को। 2 महीने का जवाब लेने खड़े हैं? कैसे यार, 5 साल हो गए आप नहीं आए। आपने 2 महीने हर 2 महीने पे आने के बोला था कि मैं हर 2 महीने आकर मुफ्ती साहब से हिसाब लूँगा कि आपने क्या काम किया गाँव में, क्या 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 नहीं किया। तो अभी मैं सुनने के लिए आया कि अभी ये क्या वादा करते हैं अभी इस बार इस इलेक्शन में। तो आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी कि नहीं आ पाया वो? आप वो बताएंगे क्या वजह? नहीं, जब आपको नहीं आना था आप वादा नहीं करते थे आवाम से। आप साफ बोलते थे कि मैं फ़ोन पे ही मैं पूछ लूँगा कि आपने क्या काम किया। आपने वादा किया था कि मैं हर 2 महीने पे आऊँगा और शहर मुफ्ती साहब से हिसाब मांगूंगा कि आपने शहर के लिए क्या किया। ना मुफ्ती साहब आवाम के दरमियान में आए, ना असद भाई हमारे जो हमारे सबसे बड़े लीडर है इस मुल्क के, उन्होंने वादा किया भी मालेगांव के आवाम से किया है। ये हमारा वजह यही कहना है। क्या नाम भैया आपका? क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम भैया आपका? क्या नाम है? तो बात नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, ऐसे अच्छा भाई, एक उम्मीदवार हैं हम भी न्यूज वाले। अच्छा, आप भी न्यूज वाले हैं? तब ठीक। इतना पैसा है कि बोलो पूछो मत, जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे, और यही मालूम है। क्या नाम भाई आपका? पहले बोले थे इलेक्शन में 20 लाख का कर्जदार। क्या नाम भैया आपका? अबू जैफा। क्या? अबू जैफा। अबू जैफा, तो किसको सुनने के लिए आए हैं? मुफ्ती साहब को। मुफ्ती साहब तो इस बार मतलब सपोर्ट कर रहे हैं उनको? हम इंशाल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई खास कारण उन्हें सपोर्ट करने का? यार देखो, मुसलमान लोग के हाथ में आवाज़ सिर्फ असद उसे आवाज़ उठाता, नहीं अकेले से यादव बोलो कोई आवाज़ नहीं उठाता मुसलमान लोग के हक में, सिर्फ असद उसे आवाज़ उठाता। इसीलिए हम मुफ्ती साहब को वोट देंगे, उनको चुनवा कर लाएंगे। अच्छा, ये जो 2 महीने वाला वादा करके गए थे ओवैसी साहब, उस पर कई सारे लोग नाराज़? उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं ना पहली बार।
हमारे मालिक हूँ सर, उसकी उसकी जरूरत पड़ी नहीं। अच्छा, उनके आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं नहीं पड़ी, मतलब काम इतना हो गया कि दो महीने में आने की जरूरत नहीं, जरूरत। मुखालिफिन तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाँच साल में काम ही नहीं। सियासत में इल्ज़ाम लगते रहता, हटते रहता। सियासत में हमेशा इल्ज़ाम लगता, तो ये चलता रहता है। क्या नाम भैया आपका? मुझे आई तो किसको सुनने के लिए आए हैं आज? किसको सुनने के लिए आए? अवैसी को सुनने। अच्छा, तो ऐसा मतलब क्या उम्मीद रख रहे हैं किस बारे, किस पे बात करें वो? देखो आप किस पर बात करते हैं। और आमदार के चुनाव में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मुक्ति साहब। तो कोई खास वजह उन्हें सपोर्ट करने की? कोई खास वजह उन्हें सपोर्ट करने की? बस तामीर और तरक्की के लिए। तामीर और तरक्की के लिए। लोग तो बोल रहे हैं पाँच साल में काम नहीं किया उन्होंने। काम तो बहुत किया है, बा हुआ है काम, देखेंगे तो दिखेगा। हमारी नज़र से देखेंगे काम बहुत हुआ है, हमारी नज़र से देखेंगे तो काम बहुत हुआ है। सही। क्या नाम भैया? नहीं मतलब कुछ चबा रहे हैं इसीलिए? थूक दिए, थूक दिए, थूक दिए, थूक दिए। हाँ आप बताएं क्या नाम है? शाहिद अख्तर। तो किसको सुनने के लिए आए हैं? हम लोग तो मुफ्ती साहब को सुनने के लिए आए, क्योंकि काफ़ी दिन से वो थे नहीं, दो चार दिन से बीमार थे, इसीलिए हम लोग उनको सुनने के लिए खास तौर से आए, और उनको जिताना भी है, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ सुनने के लिए उनको। और इंशाल्लाह जिता के जाएंगे, और इंशाल्लाह पतंग को जिता कर जाएंगे हम लोग। पिछली बार जो वादा करके गए थे ओवैसी साहब दो महीने वाला, उस पर नाराज चल रहे हैं कई सारे लोग। वो अपने को उसके कोई आइडिया नहीं है, उसको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। हम लोग को मुफ्ती साहब से लेना देना है, आसा साहब से नहीं है, हमको मेन मुफ्ती साहब से लेना देना है, कि वो काम किए वही लोग से हम लोग को उम्मीद है। अब आसा साहब क्या बोलेंगे, वो उनकी वो बड़े लोग है, बड़े पार्टी के सदर है, अब वो जो चाहेंगे वो तो बोल देंगे। अपने मुफ्ती साहब काम किए तो हम लोग मुफ्ती साहब का साथ देंगे। क्या लग रहा है जीतेंगे इस बार? इंशाअल्लाह कामयाबी तो है यार, हाल में मुफ्ती साहब जीतेंगे इंशाअल्लाह।